लॉन्च हुआ है Redmi 4K Fire TV 2024 एडिशन। सो आज इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल्स बात करने वाले हैं और क्या ऑफर के टाइम में इन Redmi 4K Fire TV को कंसीडर करनी चाहिए, हमें क्या नए अपग्रेडेड फीचर जो है Redmi 4K Fire TV पर देखने को मिलेगा, फाइनली क्या Redmi के इस 4K Fire TV जो है मार्केट पर उतना कंपटीशन दे पाएगा, तो इन डिटेल्स बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो वीडियो का गवर्नर से पहले मेरा नाम है लक्ष्मीधर, आप देख रहे टेक डिवीजन। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ ऐसे कनेक्टेड रहने के लिए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल बटन जरूर दबाइएगा अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Redmi 4K Fire TV 2024 एडिशन पर आपको दो अलग अलग स्क्रीन साइज आपको देखने को मिलेगा, एक है 43 इंच, दूसरा है 55 इंच। सो दोनों के दोनों जो टीवी है 4K अल्ट्रा HD टीवीज है और दोनों काफी आपको आइडेंटिकल फीचर भी प्रोवाइड किया जाता है। दोनों 4K टीवीज पर आपको MEMC का सपोर्ट मिल जाएगा। सो MEMC टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम लोग को सबको पता है, सर हर वीडियो में हम लोग बात करते हैं। सो अगर आपका टीवी पर MEMC टेक्नोलॉजी है, मोशन एस्टिमेशन एंड मोशन कॉम्पेंसेशन, तो आपका स्क्रीन पर हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट पर आपको ब्लर फ्री इमेज आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं। अगर आपका टीवी पर ये टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो यहाँ पर आपको इमेज जो है ब्लर दिखने लगे। दोनों टीवीज पर जो ऑडियो टेक्नोलॉजी वो है डॉल्बी ऑडियो DTS वर्चुअल X, हालांकि जो साउंड का जो आउटपुट है वो आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। सो 43 इंच स्क्रीन साइज पर आपको 24 वाट और आपको 55 इंच स्क्रीन साइज पर आपको 30 वाट, सो ठीक ठाक आप कह सकते हो। सो ऐसे ही होने चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत सारे वीडियो में ऐसे ही डिस्कशन किए, जैसे ही स्क्रीन साइज इंक्रीज होता है तो ऑडियो टेक्नोलॉजी सेम रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ऑडियो का जो आउटपुट है वो इंक्रीज होनी चाहिए। सो हो सकता है हमारा वाला वीडियो जो है Xiaomi ने दिखा होगा। दोनों टीवीज पर आपको क्वाड कोर प्रोसेसर जो कि कोर्टेक्स का A55, 2GB रैम के साथ में 8GB इंटरनल स्टोरेज और Redmi के फायर टीवी OS 7 आपको देखने को मिलेगा। सो 2GB रैम, फायर टीवी OS, कोर्टेक्स का A55 क्वाड कोर प्रोसेसर, एक अच्छा कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो। सो नो डाउट यूजर इंटरफेस जो फायर टीवी OS का नॉर्मली थोड़ी सी एंड्रॉइड या गूगल टीवी से थोड़ी आपको अलग देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको थोड़ी बेटर फ्लुइडिटी देखने को मिल जाएगी। वॉइस सर्च एनेबल रिमोट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सो Amazon Alexa आपको बिल्ट इन मिलेगा। स्क्रीन का आपको रिफ्रेश रेट रहेगा वही 60Hz, ऑटो लो लेटेंसी मोड, आपको विविड पिक्चर इंजन भी देखने को मिल जाएगा जो कि Xiaomi जो है रिपीटेडली यूज करता है। हालांकि आपको Xiaomi आप जो भी कह लीजिए, Redmi आपको ये नहीं बताएगा कि कौन सा पैनल यूज किया गया है और ब्राइटनेस नीड्स आपको कितना देखने को मिलेगा, ठीक है। Flipkart का स्पेसिफिकेशन में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया, बेस्ड ऑन माय इन्वेस्टिगेशन आपको भी ये पैनल देखने को मिल सकती है और ब्राइटनेस नीड्स जो है अभी कोई भी आपको नहीं बता पाएगा जब तक यूनिट वंस रिसीव ना हो और जिसका पास मीटर है वही मेजरमेंट करके आपको बता सकता है। एक्टिविटी ऑप्शन का बात करें तो इन दोनों टीवीज पर आपको डुअल बैंड वाईफाई मिल जाएगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, 2 USB, आपको 3 HDMI पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो जैक, HDMI आपको 2.1, H.265, 264 आपको सारे के सारे सपोर्टेड है। दोनों टीवीज पर आपको 100V AC टू 240V AC इनपुट पावर देखने को मिलेगा जो कि एक अच्छी बात है, विदाउट स्टेबिलाईजर भी आप यूज कर सकते हो, बट डबल सेफ्टी इंश्योर करने के लिए अगर आप यूज करना चाहे, अगर आपके एरिया पर ज़्यादा पावर फ्लक्चुएशन है तो फिर आप यूज कर सकते हो। लेकिन एक जो है सरप्राइज मेरे को ये लगा दोस्तों, बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता सकता हूँ, इन टीवीज का 43 इंच का अगर बात करें तो 135W पावर कंजप्शन हो रहा है बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन। सो अगर 135 पावर कंजप्शन हो रहा है तो फिर इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको थोड़ा ज्यादा पावर कंजप्शन देखने को मिल रहा है। बात करें प्राइसिंग की तो 43 इंच स्क्रीन साइज का जो प्राइस है आपको 25,000 एंड 55 इंच स्क्रीन साइज का जो प्राइस है 36,000। ये जो प्राइस है विदाउट एनी डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट आपको अगर आपके पास ICICI का आपका कार्ड है तो आपको जो है 10% तक डिस्काउंट मिल सकता है। अवेलेबिलिटी का बात करें तो आपको Flipkart एंड Xiaomi के जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहां से आपको 18 सितंबर से जो है सेल्स जो है आप स्टार्ट हो रहे हैं, आप परचेज कर सकते हो। और बात करते हैं कि नया क्या है, भाई नया आपको सिर्फ यही है कि आपको एक डिजाइन एंड लुक्स नया देखने को मिल जा रहा है। डिजाइन आपको प्रीमियम मेटल फ्रेम आपको देखने को मिल रहा है जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक नया डिजाइन आप कह सकते हो। वारंटी का बात करें तो आपको 1+1 यानी 1 ईयर आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट के ऊपर में और एडिशनल 1 ईयर आपको पैनल के ऊपर में, सो आपको 2 ईयर का वारंटी प्रोवाइड की जाती है। Xiaomi का सर्विस के बारे में बात करें तो मैं आपको मैक्सिमम वीडियो पर बताया, नो डाउट सर्विस अगर आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है लेकिन फेलियर रेक्टिफिकेशन करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि उनका जो इंजीनियर आपके पास विजिट करते हैं, उनका ऑथोराइज पार्टनर का, उतना मेरे को स्किल नहीं लगता है। मैं ऑलरेडी 4-5 कंप्लेंट जो है अभी तक देख चुका हूँ, इन्होंने माइनर कंप्लेंट को भी काफ़ी टाइम लगा देते हैं, मेजर कंप्लेंट को भी थोड़ा टाइम लगे, टाइम लगाता है इन द सेंस
1 वीक तक इन्होंने एक्सटेंड कर ही लेते हैं। मैं इनका 4-5 कंप्लेंट जो भी दिखा उसका बेस करके मैं आपको बता रहा हूँ। सो टाइमिंग थोड़ा इनको डिक्रीज करना पड़ेगा। सो आपको डल्बी विजन डल्बी एटमोस सपोर्ट नहीं मिलेगा, और इस तरीके से बजट प्राइस सेगमेंट टीवी पर डल्बी विजन डल्बी एटमोस भी उतना आइडेंटिकल भी नहीं लगता है। नंबर 2 जो बेसिक फीचर मिसिंग लगा फार फील्ड वॉइस असिस्टेंट, और नॉर्मली टीवी पर भी देखने को मिलता है, यहाँ पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं प्राइसिंग का। देखो भाई नया क्या है, तो नया कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट डिजाइन। ओके, आपको नया कुछ नहीं मिलेगा, कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या इस प्राइस सेगमेंट पर 43 इंच एंड 55 इंच जो है किसी अदर ब्रांड को बीट कर पाएगा? तो ऐसे बिल्कुल नहीं भाई। ये भी एक जस्ट एक ऑप्शन का तरह रेडमी जो है लॉन्च किया आपको बजट प्राइस सेगमेंट पर, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं है। और अगर आपका बजट कम है तभी आप इन टीवीज को कंसिडर कर सकते हो। और प्राइस जो है अगर 43 इंच 22,000 तक एंड 55 इंच जो है आपको अगर 33,000 तक आता है तो फिर आई होप कि एक अच्छा कंपटीशन हो सकता था, बट ऐसा नहीं हो। सो आई होप कि आपको वीडियो थोड़ा यूजफुल। तो मिलते हैं किसी नया कंटेंट के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।